चैनल आशा सक्सेना, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अपर लिप वैक्स, और ये अपर लिप वैक्स हम रीका वैक्स से करके बताएंगे। ये रीका वैक्स है बनाना का, और इससे काफी अच्छे से हेयर जड़ से रिमूव होते हैं। और इसके अलावा देखिए, पेनलेस वैक्स है, कोई किसी तरह का पेन नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जड़ से हेयर रिमूव जब होते हैं तो बार बार स्ट्रिप लगाने का काम भी नहीं रहता है। कई बार हमने देखा है कि हम वैक्स को बार बार लगाते हैं, काफी लोग लगाते हैं इस तरह से, और लेकिन फिर भी हेयर रिमूव नहीं होते। तो ये वैक्स की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये काफी अच्छा है, वाटर प्रूफ है, इसमें पानी का यूज नहीं होता है, और करने का तरीका हम प्रॉपर में बताएंगे। ये अपर लिप वैक्स हम किसी भी वैक्स से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम रीका वैक्स से करके बताएंगे। और अभी जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन के कारण सभी लोग परेशान हैं, और ये छोटी छोटी जो लेडीज की प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है, अपर लिप है या अंडर आर्म्स है, ये इस तरह की प्रॉब्लम, तो वो सॉल्व करने के लिए हम आपको बताते हैं कि ये सेल्फ भी हम किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले भी काफी सारे वीडियो हमने पोस्ट किए हैं, अपर लिप वैक्स के किए, अंडर आर्म्स के किए, इसके अलावा देखिए फेस क्लीनअप के किए, जो सेल्फ हम कर सकते हैं वो सारा हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो आज हमने सोचा, हमने अपने अपर लिप काफी बढ़ाए हुए हैं केवल आप लोगों के लिए, सिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि किस तरह से सेल्फ अपर लिप वैक्स हम घर बैठे कर सकते हैं। तो ये करने का तरीका, आप टिल टू एंड वीडियो वॉच करिए, और वीडियो अगर थोड़ा भी लाइक आपको होता है तो फिर लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक छोटी सी बेल आइकॉन पर क्लिक करने से, बटन ऑन करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अटैचमेंट हमसे रखने के लिए और हम आपसे रखने के लिए बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी प्रोग्रेस आपके साथ ही जुड़ी हुई है, इसलिए सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। उससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे और आप हमारे वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं कि किस तरह से अपर लिप वैक्स हमको करना चाहिए और ये घर बैठे हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये आप टिल टू एंड वीडियो वॉच करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। करने का तरीका सेम रहेगा रीका वैक्स का, चाहे बनाना वैक्स हो चाहे सहारा की हो, तो दोनों का बिल्कुल सेम है। वैक्स किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन अदर साइड में अगर हम जाते हैं, जैसे कि ये चॉकलेट वैक्स लेते हैं, नॉर्मल वैक्स लेते हैं, या ये हम एलोवेरा वैक्स लेते हैं, कोई सी भी लेते हैं, उसमें हम पानी का यूज करते हैं, लेकिन रीका वैक्स में, हम हार्ड वैक्स में किसी भी तरह का पानी यूज नहीं करते हैं। हमको देखिए इस तरह से, ये प्री लोशन है, ये सहारा का है, काफी कॉस्टली है, 450 के करीब का, 490 के करीब का है ये सारा वैक्स जो हमने बताया था उसका, काफी अच्छा है। ये प्री लोशन है, इससे हम स्किन को क्लीन करते हैं। कोई भी काम करने से पहले स्किन को क्लीन करना बहुत आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, हम बताए कि कई बार हमने देखा है कि हम काम तो करते हैं लेकिन हमको ये नहीं मालूम होता कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। हम आपको बता दें कि जब हम वैक्सिंग का काम करते हैं तो उससे पहले हमको स्किन को क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम वैक्सिंग का काम करते हैं तो स्किन के पोर्स खुलते हैं, रोम क्षेत्र खुलते हैं, जिसमें से सांस लेने की ताकत स्किन में आ जाती है, स्किन हमारी सांस आसानी से ले सकती है। और अगर हमने स्किन को क्लीन नहीं किया तो जो स्किन के ऊपर डस्ट वगैरह लगी हुई है वो हमारे पोर्स खुलते ही अंदर डस्ट वगैरह, गंदगी सारी अंदर चली जाती है, जिसका दुष्प्रभाव ये होता है कि हमारे स्किन में दाने हो जाते हैं या खुजली हो जाती है या किसी भी तरह की पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज आप इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखिए कि कोई भी काम करने से पहले साइंटिफिक रीजन जो होता है स्किन को क्लीन करना, वो जरूर करिए। इसीलिए अपर लिप करने से पहले, वैक्स करने से पहले हम इसको, स्किन को क्लीन करेंगे, और ये कॉटन में लेकर हम करते हैं। ये देखिए, ये आफ्टर लोशन है, वो बिफोर लोशन था, ये आफ्टर लोशन है। वैक्सिंग के बाद में हम स्किन को खुला नहीं छोड़ेंगे,
और इसमें पानी का यूज नहीं होता है, इसलिए हम कॉटन में लेकर स्किन को एकदम क्लीन करेंगे। अगर कहीं थोड़ा वैक्स लगा भी होगा तो वो इसके जरिए बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है, आफ्टर लोशन नहीं है सॉरी, तो फिर हम इसका दूसरा हल भी निकालते हैं कि कोकोनट ऑयल को आप ले सकते हैं और उससे अपनी स्किन को बिल्कुल मॉइस्चराइज कर सकते हैं, या वैक्स अगर लगा रह गया तो उसको भी क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा कार्य करने का तरीका, और अब हम बताते हैं कि इसमें किस किस चीज की जरूरत होती है। ये देखिए फॉर्चुला है, ये स्टील का है, इससे हम कर सकते हैं वैक्स। ये वुडन का है, या फिर घर बैठे आप कर रहे हैं तो कोई भी जिस आइसक्रीम खाने की स्ट्रिप्स वगैरह होती हैं उससे आप कर सकते हैं। घर पर हम तो घर पर अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो जो अवेलेबल है उसी से हम करके बताएंगे या करके अपना काम करेंगे, तो चीप एंड बेस्ट होगा और घर बैठे हम आसानी से कर सकते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये सीजर है, ये स्ट्रिप को हम इस तरह से है, स्ट्रिप भी आपको बता देते हैं, ये दो तरह से है, अलग अलग कलर में आती है, ये व्हाइट है, ये ब्राउन है, लेकिन हमको ये ब्राउन शेड वाली ज्यादा अच्छी लगती है। ये काफी ड्यूरेबल भी है और इससे काम भी अच्छा होता है, इसमें थिकनेस काफी है, ये थोड़ी पतली है, काफी थिन है, तो इससे हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता काम करना। केवल आपके दिखाने के लिए हम ये लेकर आए हैं। तो इसके अलावा देखिए ये कॉटन है, कॉटन हमारे यूज में आएगी, तो जो चीजें यूज में आएंगी वही हमने लिया है। इसके अलावा देखिए ये वैक्स हीटर है, वैक्स में हमने रिका वैक्स डाला हुआ है इस तरह से, और इसका बटन ऑन हो जाएगा, ये बटन ऑन हो गया, जब ये लिक्विड फॉर्म में थोड़ा हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो हम इसको यूज करेंगे। ये देखिए, कभी भी आप ध्यान रखिए कि रिका वैक्स है या हार्ड वैक्स है उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वैक्स हीटर में नहीं निकालना चाहिए। अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वैक्स आप लेकर उसमें किसी भी बर्तन में लेकर या तो इंडक्शन पर गर्म कर सकते हैं, या फिर हीटर वगैरह या कुछ भी हो आप गैस पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक गुनगुना वैक्स करने के बाद में जब पिघल जाएगा तब फिर हम उसको यूज करेंगे। तो अब आते हैं कि किस तरह से करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी काम करने से पहले स्किन को क्लीन करना बहुत आवश्यक होता है, और उसका साइंटिफिक रीजन हमने आपको बताया। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारा समझाने का तरीका, हम ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज देना चाहते हैं, यही सोचते हैं कि विद्या का दान सबसे बड़ा दान होता है। जितनी हम आपको नॉलेज देंगे उतनी हमारी खुद की भी नॉलेज बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी, ये हमारा सोच हो सकता है गलत हो। अब देखिए ये हम लेते हैं, सबसे पहले प्री लोशन है ये, इसको हम कॉटन में लेंगे, ये हमने कॉटन में लिया देखिए, और इसको इस तरह से बहुत ही कम यूज आएगा ये हमने। अब हम अपर लिप पर देखिए, हमारे अपर लिप पर बाल, हमारी ग्रोथ ज्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन फिर भी हमने अपने जानकर तो काफी सारी ग्रोथ ये तैयार की है आपके लिए। इसी पर बताते हैं करने का तरीका, आप विशेष तौर से देखिए। सबसे पहले हमने स्किन को ये क्लीन किया, ये स्किन क्लीन हो गई। देखिए कितना भी हम कुछ करते हैं गंदगी तो निकलती है, ये देखिए आप। और इसके बाद में देखिए हम आपको बताते हैं कि थोड़ी सी स्ट्रिप को हम काटेंगे, ये देखिए, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी स्ट्रिप तो काम में आएगी नहीं, तो इसको काट लेना ज्यादा बेटर है। ये देखिए ये हमने काट लिया, अब हमारी तैयारी हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि ये अपर लिप के हेयर देखिए आप, अलग अलग डायरेक्शन में है, यहां से लेके यहां तक एक डायरेक्शन में, यहां से लेके
यहां तक एक डायरेक्शन में, और ये ध्यान रखना है ये इस जगह तक हेयर आते हैं ये, और ये सेंटर वाली जो चीज है, कई बार क्या होता है कुछ लोगों के तो इधर हेयर नहीं होते हैं, कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमको क्लीन तो करना ही होता है। तो इस जगह हम ध्यान रखेंगे कि एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, और लास्ट में हम इस साइड करेंगे। तो ये थ्री डायरेक्शन में जब हेयर है तो हमको तीन बार स्ट्रिप को लगाना होगा। चलिए बताते हैं आपको कि किस तरह से अपर लिप करना है, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अब ये बिल्कुल इस पोजीशन में आ गया है, इतने पोजीशन में है ये, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है, बहुत ठंडा भी नहीं है। बहुत ठंडा तो हम लगा ही नहीं सकते, फिर काम नहीं होता है वैक्स का। ये देखिए, देखिए इस तरह से हमने वैक्स किया, और वैक्स करने के बाद में अब ये हम आफ्टर लोशन ले रहे हैं। इस तरह से इस रीका वैक्स में पानी का यूज नहीं होता है, ना पाउडर का यूज होता है, देखा आपने। और इसको वॉश करने का तरीका ये ही है कि हमने ये आफ्टर लोशन लिया है रीका वैक्स का, और आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोकोनट ऑयल से भी क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, इससे सारी गंदगी भी निकल जाती है और अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर आपको थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन है, आइस क्यूब का यूज आप आधे घंटे बाद कर सकते हैं इसको वॉश करने के बाद। देखिए, तो विश्वास है आपको ये हमारा रीका वैक्स सेल्फ अपर लिप वैक्स करने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ में, नए काम के साथ, नए अंदाज के साथ में। ओके, बाय, थैंक यू।